जय श्री राम दोस्तों, PSR ब्लॉग में मैं प्रदीप सिंह राणा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शूट कर रहा हूं मैं अपने बगीचे से। देखिएगा यहां पे मेरा बगीचा है, चारों तरफ फुल फ्लोरिंग हो रखी है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब मेरे बगीचे में फुल फ्लोरिंग होगी तो मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग दूंगा अपने एप्पल गार्डन का। तो आपको मैं अपने पूरे बगीचे का शेयर कराता हूँ, कहाँ कैसे फूल लगे हुए, कैसे फ्लावरिंग हो रही और पॉलिनेटर कैसे काम कर रहे हैं। आपको इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर मधुमक्खी के और तितली के माध्यम से आखिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की और। जैसे कि दोस्तों बहुत जगह जो बहुत सारे पेड़ होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें पॉलिनेटर नहीं होता, यानी कि बहुत सारे पेड़ ऐसे यहाँ पे जहाँ पे पॉलिनेटर का पौधा नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हमको पौधों के बीच में जहाँ पॉलिनेटर नहीं है तो हम पॉलिनेटर वाले पौधे से, यानी कि ग्रीन गोल्डन या रेड गोल्डन या गलगला से उसके फ्लावर को, यानी कि फूलों को तोड़कर जो हम ऐसे यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा दोस्तों पानी की बोतल में भर के और उसके जो फूलों के जो टहनी उसको जो डालते हैं, जिस कारण जैसे कि हो गए यहाँ पे मादा फर्टिलाइज फूल और ये हो गया नर फूल। तो जो मधुमक्खी यहाँ पर बैठेगी और यहाँ पर बैठेगी, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगी तो कहीं ना कहीं ये जिस पे जो है इसका परागण जो मिक्सचर हो जाएगा और जिस कारण जो फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाएगा और एकदम बेहतर फल दे। जैसे कि दोस्तों ये जो पौधा है ये पॉलिनेटर का पौधा है, तो जो इसके फूल है यहाँ पे और ये इस पर का पौधा है यहाँ पे, तो जो भी मधुमक्खी इस फूल पर जाएगी और इस फूल पे आने के बाद डायरेक्ट इस फूल पर बैठेगी तो कहीं ना कहीं इसका जो पॉलिनेशन हो जाएगा और ये इसकी जो प्रत्येक फूल है जो एकदम ग्रोथ हो जाएंगे और फल जो बन जाएंगे। तो अगर जहाँ पर ये पौधा नहीं है पॉलिनेटर का तो कहीं ना कहीं हम इसके जो इतना तना काट के एक फूलों को काट के एक बोतल में पानी भर के और इस साइड लगा सकते हैं, यानी कि जहाँ पर पॉलिनेटर का पौधा नहीं है नज़दीक में तो वहाँ लगा सकते हैं, जिस कारण जो उसका प्रभाव उस पर जो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि पॉलिनेटर का पौधा तो उतनी दूर है तो कहीं ना कहीं इधर आखिर पॉलिनेशन कैसे होगा। तो उसके लिए हमने देखो यहाँ पर प्रत्येक पौधे पे जो बोतल भर के और पॉलिनेटर वाला जो फूल है वो लगा दिया यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ पे लगाया फिर ये टेप लगा रखा है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लगा दिया है बोतल में पानी भर के, जिसके कारण कि सारे पेड़ जो आपस में जो कवर हो जाएंगे। प्रत्येक पौधे पे हमें जो एक एक बोतल पे पॉलिनेटर लगा रखे हैं। कोई तो सूख गए दोस्तों, तो हमें सूख गए तो कहीं ना कहीं भाई हमको दोबारा से इस पर जो पॉलिनेटर ढालना पड़ेगा फूलों का, ताकि जो भी फूल बचे हुए ये सारे जो मिक्स परागण जिस पर मिक्सचर हो जाए और इसका बेहतर रिजल्ट हमको मिल जाए। ये देखिएगा दोस्तों पॉलिनेटर हमने हर एक पौधे पे जो पॉलिनेटर लगा रखा है, देखिएगा यहाँ पे। तो इस बार जो फ्लावरिंग हो रखी है, फूल हो रखे, तो पिछली बार से जो बेटर हो रखे,
तो उम्मीद है कि इस बार जो बेटर फल लगेंगे। खूबसूरत एप्पल ऑर्चर्ड इन उत्तराखंड। बाकी दोस्तों जो पूरे बगीचे से जो मधुमक्खी जो है फूल चूस के लाती है, वो लाती है दोस्तों हमारे लिए लाती है। यहाँ पे देखिए भंडार, ये देखिए यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके जो हमारे लिए जो इसका जो दूसरा फायदा है वो है हमारे लिए शहद। ये देखिएगा और ये सारी गुस्सा हो गई है कोई छेड़ रहा हमको। ये वाला पौधा जो पॉलिनेटर का है और ये स्पर का है, ये ग्रीन गोल्डन का है और इसी से जो जितने सारे पौधे हैं सब पॉलिनेशन सब पर पॉलिनेटर काम करेगा और सब पर पॉलिनेशन काम होगा। दोस्तों फाइनली वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको बता दूं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ब्रांस का जूस कैसा बनाया जाता है, यानी मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दूँगा कि फुल डिटेल्स कि हम ब्रांस का जूस कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा भाई दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देख पाओगे। बाकी आप सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे।